नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने और भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद कई चर्चाएं आप तक पहुंच रही होंगी। उसमें एक चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मुलाकात कर रहा है। 2024 छोड़ दिया ना, 2025 के एजेंडे सेट हो रहे हैं और इन एजेंडों में खास करके राजनीतिक गलियारे में जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में हैं या विपक्ष में मजबूती से हैं, वो सारे दल अपने अपने घोड़ों पर नजर लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कौन किधर शिफ्ट कर रहा है, किससे किसकी बात हो रही है। एक छोटी सी बात भी होती है, कल आपको हमने खबरों में बताया था कि कौन किससे मिल रहा है और दिल्ली में क्या एजेंडा सेट हो रहा है, लेकिन वहीं उपेंद्र कुशवाहा किससे मिल रहे हैं, ये एजेंडा है लेकिन चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं। एक तस्वीर के अलावे आपको कोई दूसरी तस्वीर नहीं मिली होगी, लेकिन इसके अलावे हम आपको कुछ ऐसी बातें लगातार बताते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पंचनामा में नमन मिश्रा जी ने जो बातें कही थी, वो बातें धीरे धीरे एक एक करके सामने नजर आती जा रही हैं। उनमें से एक बात थी कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके सांसद हैं वो संपर्क में हैं किसी न किसी रूप में किसी न किसी दूसरे दल से। उनको लग रहा है कि 2024 में उनकी संभावनाएं छिन्न हो जाएंगी, लेकिन इससे आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। इसकी संभावनाएं कहीं ना कहीं जो हलचल के रूप में सामने आई हैं, उसमें बयान बहुत कुछ इशारा करते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जदयू हमलावर है पिछले 6 महीने से, वहीं दिल्ली में भी इसके नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में जो अब तक 2019 से लेकर के 2022 तक सांसद अब एक शब्द नहीं बोल पाते थे, वो भी अब मुखर हो गए हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ये नीतीश कुमार के करीबियों में से जाने जाते हैं और ये जहानाबाद से सांसद हैं। 2019 के चुनाव में हारते हारते जीते थे और जो जीतते जीतते हार गया था उसका नाम था सुरेंद्र यादव। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हुई थी, कड़ी फाइट हुई थी और आपको पता है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं वो 2000 के आसपास वोटों से जीते थे। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें की गई थी, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर के अब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव में से कौन 2024 में जहानाबाद का चेहरा होगा, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसी बीच में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ये बात समझ गए हैं कि आने वाले 2024 के लिए सबसे जरूरी है कि एजेंडा सेट किया जाए और अपने समाज के लोगों को अपने तरफ खींचा जाए। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, आरक्षण का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उन्होंने रोहिणी आयोग की चर्चा करते हुए ये बातें कही कि 13 बार इस आयोग का को एक्सटेंशन मिला है, जिसको जनवरी में ही अपना रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट सबमिट करना था, वो अब तक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी के 290 से ज्यादा ऐसे जाति हैं जिनको अब तक 2.68% तक ही सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने 990 के आसपास ऐसी जातियों को बताया जो ओबीसी में शामिल है, उनको शिक्षा तक का जो उनका मूल अधिकार है वो भी नहीं प्राप्त हो सका है। इसका सीधा मतलब आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी अगड़ा पिछड़ा जो करने की शुरुआत एक हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपने सुना ही होगा, धर्म और राजनीति की बात की जा रही है, अगड़ा पिछड़ा की बात की जा रही है, मंडल कमंडल की बात की जा रही है, ये पुराने जो एजेंडे थे वो वापस आ रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद इस बार 2024 के चुनाव से पहले पूरी तरह से ठीक होकर के जब आए हैं सिंगापुर से, तो राजनीतिक रूप से अब उनका जो चाल है वो शतरंज के विषाद पर बिछने लगा है। कई मोहरे इसमें सामने नजर आ रहे हैं और ये साफ साफ नजर आएगा। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में क्या था, तो भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता मिली थी और नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव आया और जिसको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने आरक्षण की तरफ मोड़ करके लोगों को यह बताने का कोशिश किया, पिछड़े अति पिछड़े। इसके अलावे
अन्य जो एससी एसटी के लोग थे उनको बताया कि आपके आरक्षण पर हकमारी की जा रही है, उसे समाप्त करने की बात की जा रही है। और 2015 का चुनाव महागठबंधन जीत गया, 2019 का जब चुनाव आया तो आपको पता है कि राष्ट्रवाद को लेकर के और देश की सुरक्षा को लेकर के जो सामने मामले आए हैं उसमें क्लीन स्वीप कर गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। 2020 में रोजगार का मामला जरूर सामने आया, लेकिन इस रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पिछड़ गए और महागठबंधन को हरा करके एनडीए सत्ता में आ गई। लेकिन 2 साल के अंदर ही फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस बार समाजवाद के लोग कहे जाते हैं, तथाकथित समाजवादी लोग एक साथ आए हैं और अब पिछड़े अति पिछड़े, अगड़ा पिछड़ा, धर्म और राजनीति के साथ साथ अन्य कई मुद्दे सामने आ जाएंगे। कोई रामायण पर बयान दे रहा है, कोई गीता पर बयान दे रहा है, कोई धर्म गुरुओं पर सवाल खड़ा कर रहा है और यहां तक कि कोई करबला बनाने की भी बात कर रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है तो वो 16 सांसद हैं जो एनडीए से चुनाव, एनडीए के तहत चुनाव जीत करके आए थे, अब महागठबंधन में हैं। उनकी सीटें बचेगी या नहीं बचेगी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ गोटी फेंक करके और इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।